हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो टैक्सोनॉमी वाला चैप्टर था हमारा। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और मोनेरा के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। सो जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें क्या है कि एक कोशिकीय यूकैरियोट्स है, यानी सिंगल सेल यूकैरियोट्स इसमें रखे गए हैं सारे। लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी जो सीमा है वो ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। तो एक जीव जो है वो जैसे कि साइंटिस्ट के लिए वो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, तो दूसरे के लिए वो एक पादप हो सकता है। तो इसमें जो है देखो, क्राइसोफाइट्स रखे गए हैं, डायनोफ्लैजलेट्स रखे गए हैं, इनको हिंदी में भी यही बोलेंगे, और यूग्लिनॉइड्स हैं, और स्लाइम मॉल्स, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ जो है इसमें इसमें जो है इनको प्लेस किया गया है सबको। सो प्रोटिस्टा जो है वो प्राइमरीली क्या होते हैं, जलीय एक्वेटिक होते हैं प्राइमरीली, और यूकैरियोटिक होते हैं ये, क्योंकि मोनेरा के बाद सारे जो है वो यूकैरियोट्स है। तो इसलिए इनकी जो कोशिका होती है उसमें एक वेल डिफाइंड जो है सुसंगठित केंद्रक होता है, और बाकी जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो भी इनमें पाए जाते हैं। सो इनकी वेल डिफाइंड बॉडी होती है, और इनमें फ्लैजुला और सीलिया भी होते हैं। कुछ जो प्रोटिस्टा उनमें कशाब और पक्षमाभ भी जो है वो पाए जाते हैं। और ये जो इनका रिप्रोडक्शन है वो देखो अलैंगिक यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ये कोशिका संलयन के थ्रू, जो सेल फ्यूजन है उसके थ्रू, और सेक्सुअली जो है ये जायगोट फॉर्मेशन जो युग्मन जो बनने की जो विधि है उसके द्वारा ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। सो इसमें अभी हमने देखा कि क्राइसोफाइट्स जो है वो रखे जाते हैं। तो इसमें जो है डाई एटम्स और जो गोल्डन एल्गा है डेस्मिड्स सुनहरा शैवाल जो है इसमें रखे जाते हैं, और ये जो है फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जल और उसके अलावा लवणीय जो है समुद्र पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं ये। और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये जलधारा में जो है निश्चेष्ट रूप से जो है बहते रहते हैं, पैसिवली जो है ये फ्लोट करते हैं। डाई एटम्स में जो कोशिका भित्ति है वो साबुनदानी की तरह होती है, और इसी तरह से जो है अतिछादित कवच जो है वो बनाती है ये, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन नेचर, अपना खाना जो है खुद बनाते हैं। इनकी जो भित्ति होती है उनमें सिलिका होती है, तो इसके कारण जो है ये नष्ट नहीं होते हैं सिलिका के कारण डाई एटम्स। तो इनकी जो वॉल है वो सिलिका वॉल्स होती है, इसलिए इंडिस्ट्रक्टिबल है, और ये जो है चीफ प्रोड्यूसर्स हैं इन वाटर। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिपॉजिट होती है इन मिलियन ऑफ ईयर्स, एंड डाई एटमशियस अर्थ बनाती है वो मिलकर, और उससे जो है गर्टी सॉइल बनती है, एंड देन वो जो है यूज़ होती है फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। सो करोड़ों वर्षों में जमा हुए इनके अवशेष को जो है वो डायटमी मृदा कहते हैं हम, और ये कणमय होती है यानी कि ग्रिटी सॉइल होती है ये। तो इसीलिए इसका जो उपयोग है वो पॉलिश करने में, तेलों और सिरप के निस्यंदन में जो है किया जाता है, और समुद्र में ये जो है मुख्य उत्पादक होते हैं यानी चीफ जो है ये प्रोड्यूसर्स होते हैं इन ओशियंस। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजलेट्स। सो डायनोफ्लैजलेट्स जो है ये मुख्यतः समुद्री होते हैं, मोस्टली मरीन, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये, और इनमें जो प्रमुख वर्णक है उनके आधार पर जो है इनको येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू और रेड जो है ये जो वर्णक जो है इनकी वजह से ये दिखते हैं, जो पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं उनकी वजह से। तो इनकी कोशिका की भित्ति की जो बाह्य सतह है उस पर सेल्युलोज की जो है परतें चढ़ी रहती हैं। सेल वॉल जो है इनकी शिफ्ट सेल्युलोज प्लेट्स जो है सेल्युलोज की कड़ी पट्टिकाएँ जो है उस पर लगी होती है। तो अधिकतर जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं उनमें
दो जो है फ्लैजुला होते हैं यानी कशाब होते हैं, और इनमें एक जो है लंबवत और दूसरा जो है वो अनुप्रस्थ रूप से भित्ति जो पट्टिका है उनके बीच में रहता है, यानी एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स जो है इसमें फ्लैजुलेट होते हैं। जो रेड डायनोफ्लैजुलेट्स हैं उनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है समुद्र में, तो उसे जो है जल की जो तरंगे हैं जो वो लाल दिखाई देने लग जाती है, जो पानी है वो रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। और ये जो है अगर ज़्यादा इनके जो है नंबर बढ़ जाएगा तो इनसे टॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होते हैं, और जो कि जो मरीन एनिमल्स हैं उनकी जो है इसके वजह से जो है मृत्यु हो जाती है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एक है गोनियालेक्स, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स का। देन नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स, नेक्स्ट जो है वो है यूग्लिनॉइड्स यानी जो यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। देखो ये मोस्टली जो है स्वच्छ जल में पाए जाते हैं यानी फ्रेश वाटर में, लेकिन जो रुका हुआ जल है स्टेगनेंट वाटर उसमें पाए जाते हैं। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें एक प्रोटीन युक्त जो है लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और ये इसको जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बॉडी को जो है फ्लेक्सिबल बनाती है इसकी, यानी लचीला जो है बनाती है। और इसमें जो है दो कशाब होते हैं, दो फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग फ्लैजला होता है। तो देखो ये दो तरह से जो है इनमें ये वर्क करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट सनलाइट की एब्सेंस में जो ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं यानी प्रीडेशन से जो है अपना जो है ये पोषण करते हैं, और सनलाइट अगर प्रेजेंट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड जो है वो खुद बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है अवपंख कवक, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है वो सैप्रोफिटिक होते हैं यानी मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं ये। ये मेनली जो है जो डिकिंग ट्विग्स और जो सड़ी हुई टहनियाँ पत्ते वगैरह है और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें ये जैविक पदार्थों का जो है उसमें पाया जाता है, उनका भक्षण करते हैं ये। और अनुकूल जो परिस्थितियाँ रहती हैं इनकी, जो सूटेबल कंडीशंस रहती हैं, तब ये जो है ये समूह जो है वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और इनकी जो लंबाई है वो बहुत कई फीट तक की हो सकती है स्लाइम मोल्ड्स में। एंड देन है अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है इनकी जो है फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं इनमें ये बिखर कर सिरों पर जो है बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं, और इन्हीं बीजाणुओं का जो है परिक्षेपण जो है वो वायु के साथ होता है, यानी जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं ये स्पोर बनाती हैं एटिप्स में, और इनमें ट्रू वॉल होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं ये क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन, तो सर्वाइव करने के लिए इनको ये इस तरह के जो अडेप्टेशंस हैं वो करने ही पड़ते हैं, और ये डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करेंट्स। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में जो ये हेटरोट्रॉप्स है सारे के सारे जो है परपोषी होते हैं, परभक्षी या फिर परजीवी के रूप में जो है ये रह सकते हैं, प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स के रूप में ये रह सकते हैं। और इनको जो है इनका जो रिलेशन है एनिमल्स के साथ वो बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुरातन है। तो इनको मेनली जो है चार प्रमुख समूहों में जो है फोर कैटेगरीज में जो है बांटा जा सकता है। पहला है अमीबॉइड, देन फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। सो जो अमीबॉइड अमीबिये जो प्रोटोजोआ है, अमीबॉइड जो प्रोटोजोआ है, ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी रह सकते हैं, यानी समुद्री जल, स्वच्छ जल और नम मृदा में जो है ये पाए जाते हैं। और ये अपने जो सूडोपोडिया जो है कूटपाद जो होते हैं उनकी सहायता से जो है अपने जो शिकार है, जो इनका प्रे है, उनको ये पकड़ते हैं, जैसे कि अमीबा है इसका एग्जाम्पल, और एंट अमीबा जो कि एक परजीवी है वो इसका एक एग्जाम्पल है। देन है सील, यहाँ पे कशाबी यानी फ्लैजुलेटेड, तो ये जो है स्वच्छंद और परजीवी हो सकते हैं यानी फ्री लिविंग पैरासाइट्स जो है ये हो सकते हैं, और ये इनके शरीर पे जो है फ्लैजला पाए जाते हैं, कशाब पाए जाते हैं, और ये प्रोटोजोआ बीमारी के जो है परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है ये, जिसमें कि
स्लीपिंग सिकनेस जो है इनसे हो सकती है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा जो है वो इससे स्लीपिंग सिकनेस हो सकता है, होता है इंसानों में। तो ये पैरासिटिक है। देन है सीलिएटेड, ये एक्टिवली मूविंग होते हैं बिकॉज इनमें सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, तो ये सक्रिय गति करते रहते हैं। और इनकी जो है गलट होती है, एक कैविटी होती है यानी एक गुहा होती है ग्रसिका, जो कि कोशिका की सतह के बाहर की तरफ जो है इनमें खुलती है ये। और इनसे जो सीलिया से जो है लयबद्ध तरीके से जो जल है उसे भोजन जो है इस गलट के थ्रू जो है बॉडी में भेज दिया जाता है। सीलिया अलाउज फूड इन, एंड इसका एग्जाम्पल जो है वो पैरामीशियम है, जिसे स्लीपर एनिमल क्यूली भी कहते हैं। देन है स्पोरोजोआ, और इसमें जो है विविध जीवधारी आते हैं, और इसमें इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य जो है बीजाणु जैसी अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। सो इसमें सबसे जो है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया जो है करता है इंसानों में, सबसे खतरनाक जो है इसमें वो है प्लाज्मोडियम। तो ये इन्फेक्शियस होते हैं, स्पोर लाइक रहते हैं ये स्पोरोजोआस। नेक्स्ट जो है किंगडम वो है कवक यानी फंजाई। सो फंजाई जो है वो बेसिकली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, और ये जो है एक नम जो रोटी है वो सड़े हुए फल फूल कहीं पे भी जो है ये देखे जा सकते हैं, जो वाइट और ब्लैक कलर की जो ब्रेड पे जो मोल्ड्स होते हैं वो यही है फंगस। और मशरूम भी सबने देखे हुए होंगे, तो ये जो है फंगस है। और ये इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी है, बहुत सारी भिन्नता जो है विविधता है इनमें, और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं यानी सब जगह पाए जाते हैं, ये विश्वव्यापी हैं, ये हवा जल मिट्टी और जंतु और पौधों सब में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जो है गर्म और नम स्थानों पर जो है आराम से उग जाते हैं, क्योंकि इनको नमी चाहिए होती है। सो ये दिस ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जैसे कि मॉइस्ट ब्रेड है उस पे, रॉटन फ्रूट्स हैं, कॉमन मशरूम्स जो हैं उनमें, और उनको हम टोडस्टूल्स भी कह सकते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता वाइट्स, और उसके अलावा जो मस्टर्ड लीव्स पे जो है वाइट स्पॉट्स होते हैं, जो कि पैरासिटिक फंगस, जो पेड़ पौधों पे आपने देखा होगा उनकी जो लीव्स होती है उस पर वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, तो ये एक तरह का जो है वो फंगस ही है। और इसके अलावा यीस्ट जो कि यूनिसेलर हो, जो कि बियर और ब्रेड बनाने में काम आता है, यीस्ट जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है जिससे कि जो अल्कोहल बनती है वो यीस्ट की वजह से ही जो है वो बनती होता है ये, तो ये एक तरह का कवक ही है ये। उसके अलावा जो वीट रस्ट है जो पक्सीनिया की वजह से होता है, एंड एंटीबायोटिक्स भी बनती है जैसे पेनिसिलियम है। सो देखो यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंजाई है, और ये जो है तंतुमय होता है, इसकी तंतुमय संरचना है, कवक तंतु इसको हम कह सकते हैं। और ये फिलामेंटस होता है, लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक होता है, तंतु जैसी संरचना होती है इसकी। और इसका जो जो जाल होता है कवक तंतु के जाल को जो है कवक जाल यानी माइसीलियम कहते हैं हम, जो नेटवर्क है उसे हम माइसीलियम जो है कहा जाता है। और कुछ जो कवक तंतु है वो नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रीय कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कंटिन्यूस होती है विथ मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म, जैसे कि कोइनोसाइटिक हाइफे जिसको हम कोइनोसाइटिक हाइफे कहते हैं, और कुछ में जो है सेप्टा होती है, हाइफे में जो है सेप्टा और जो क्रॉस वॉल्स है वो पाई जाती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड की जो है वो मिलके जो है वो बनी होती है, सेल वॉल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटीन एंड काइटीनियस होती है एंड पॉलीसेक्राइड से मिलके जो है ये बनी होती है। तो अधिकांश जो फंजाई है वो परपोषी होते हैं, और इन्हें जो है मृत जीवी भी कहते हैं, और ये अवशोषित कर लेते हैं जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके, जैसे
जो डेड इंडिकेटिंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं उनसे. सो फंजाई जो है सजीव पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं, इन्हें परजीवी भी हम कह सकते हैं. और शैवाल और लाइकेन के साथ जो है ये उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल जो है बनाकर भी रह सकते हैं, जिन्हें हम सहजीवी फंजाई कहते हैं. सो इनमें जो है जनन होता है कायिकी खंडन से, विखंडन और मुकुलन विधि से. और अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं से होते हैं, उन बीजाणुओं को हम कोनिडिया कहते हैं. और बीजाणु जो है धानी बीजाणु और चल बीजाणुओं के द्वारा भी जो है यहाँ पे इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो होता है. और लैंगिक जनक जो है वो ऊस पोरा की मदद से होता है. और जैसे एस्केंस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु के द्वारा होता है. सो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एसेक्सुअल अनसेक्सुअल टाइप का. वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फिजन एंड बडिंग हो जाएगी. एसेक्सुअल में जो है कोनिडिया, स्पोरो स्पोरोजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स जो है वो बनाएंगे ये. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे. और फ्रूटिंग बॉडीज जो है दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स. सो जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तब देखो क्या होता है कि सेक्सुअल साइकिल में मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के गैमिट्स बनते हैं. सो मोटाइल जो है देखो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस की मदद से जो है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका संलयन हो जाता है, उसका फ्यूजन हो जाता है, तो वो हो जाएगा प्लाज्मोगैमी. यानी दो जो युग्मक हैं उनके प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं. देन है कैरियोगैमी. कैरियोगैमी में क्या होता है, जो केंद्रक है उसका संलयन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, इसको हम कैरियोगैमी कहेंगे. और मियोसिस जो है इसमें हैप्लॉइड जो स्पोर्ट्स हैं वो बनते हैं. सो दो हैप्लॉइड जो हाइफ़े हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और टू एंड जो है डिप्लॉइड सेल बन जाता है. और दूसरी कंडीशन जैसे कि ये कोशिका बन जाती है, जबकि जो एस्कोमाइसिटीज़ है उसमें क्या होता है कि एन प्लस एन जो है डाईकैरियोटिक कंडीशन हो जाती है, यानी जो द्वि केंद्रिक प्रावस्था जो है वो पाई जाती है. इसमें एक ही कोशिका में जो है क्या होता है कि दो केंद्रक बनते हैं. तो इसका ये एग्जाम्पल जो है याद रखना, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज में जो है एन प्लस एन जो है ये कंडीशन रहती है, डिप्लॉयड ही रहती है ये. और फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्ट्स रहते हैं यहाँ पे. सो ये जो है हुआ हमारा जो रिप्रोडक्शन है किस तरह से होता है इन फंजाई. सो अब फंजाई का क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे, जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की उसके बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज इनके बेसिस पे जो है इनका क्लासिफिकेशन होता है. तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज. तो फाइकोमाइसिटीज जो है वो मोस्टली जो है जलीय आवासों में रहती है, सड़ी गली लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों पर जो है ये पाई जाती है. और ये जो है अविकल्पीय परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं ये. और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, इनकी मदद से जो है यहाँ पे चल बीजाणु और अचल बीजाणुओं के द्वारा जो है अलैंगिक जनन होता है इनमें. और जो एंडोजीनस स्पोर्स होते हैं इनमें, ये जो बीजाणु है वो अंतर जातीय उत्पन्न, बीजाणु धानी में जो है अंतर जातीय उत्पन्न होते हैं. और दो जो है युग्मक उनके संलयन से जो है यहाँ पे युग्माणु बनते हैं. जो जाइगोस्पोर्स है वो फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स की वजह से जो है यहाँ पे बनता है. एंड ये हो सकता है या तो सिमिलर यानी आइसोगेमस हो सकता है, और डिसिमिलर यानी एनआइसोगेमस और ऊगैमस टाइप का जो है यहाँ पे इनमें जो है ये गैमिट्स जो है वो बन सकते हैं. तो एग्जाम्पल देखो इसका है म्यूकर है, राइजोपस है जो कि ब्रेड मोल्ड है, रोटी का कवक है ये. और इसके अलावा एल्ब्यूगो जो है सरसों पर जो फंजाई, ये जो पैरासिटिक है ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, ये किसके एग्जांपल है, फाइकोमाइसिटीज के.
देन नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज। सो एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई यानी थैली फंजाई भी कहते हैं, और ये जो है मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट रहता है, और एसेक्सुअल स्पोर्स जो है इनमें कोनिडिया यानी एक्सोजीनसली और कोनिडियोस फोर्स जो है उनमें पाए जाते हैं। ये जर्मिनेशन से जो है ये माइसीलियम बनाता है, जैसे कि यीस्ट है सैक्रोमाइसिस के अलावा यहाँ पे जो है बहुकोशिकी जैसे पेंसिलियम भी जो है इनमें पाई जाती है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो एस्कोस्पोर्स जो है यहाँ पे बनते हैं, लैंगिक बीजाणु जो है एस्कस बीजाणु कहते हैं, जो कि एंडोजीनसली बनते हैं, और एस्को कार्प जो है जिनको हम कहते हैं। सो इसका एग्जांपल हो जाएगा एस्पर्जिलस, न्यूरोस्पोरा। ये सैप्रोफाइटिक होता है, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कैप्रोफिलस। ये बेसिकली यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं फंजाई के, क्योंकि वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते, वो दूसरों पे जो है आश्रित होते हैं। देन नेक्स्ट बेसिडोमाइसिटीज। सो एस्कोमाइसिटीज के दो एग्जांपल्स हैं मॉरिल और ट्रफल्स, ये खाने योग्य होते हैं और इनको जो है ये थोड़े महंगे भी मिलते हैं। देन है बेसिडोमाइसिटीज, और ये एक जो है तरह का जो है मशरूम है, ब्रेक्ट फंजाई या फिर पफ बॉल इनको कह सकते हैं हम। ये जो है मिट्टी में और जो लट्ठे हैं और जो पेड़ों के ठूंठ है ट्री स्टम्स हैं उनमें ये उग जाते हैं, उनके अंदर ये परजीवी के रूप में जो है उगते हैं, और इनकी जो माइसिलियम होती है वो ब्रांच और सेप्टेट होती है, कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन की जो है उसकी मदद से। इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, और बट जो है प्लाज्मोगैमी जो है इनमें प्रेजेंट होती है, यानी जो प्लाज्मा का जो फ्यूजन है वो होता है इनमें, और डाइकैरियंस। सो प्लाज्मोगैमी से जो है दो जो अलग अलग तरह के जो स्ट्रेन्स हैं वो मिलके दो काई की कोशिकाओं और जीन प्रारूपों के संलयन से यहाँ पे होती है। तो इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, इसलिए ये जो प्रोसेस इसमें रहता है। सो इससे बनने वाली जो संरचना है वो द्विकेंद्र की होती है, तो इसे जो है बेसिडियम जो है वो बनते हैं, बेसिडियोकार्प्स जिनको हम कहते हैं। और ये होता है कैरोगेमी और मियोसिस, यानी जो केंद्रक संलयन से और मियोसिस की मदद से जो है ये बनते हैं बेसिडियम बीजाणु जो है, इनकी मदद से चार जो है बेसिडियम बीजाणु यहाँ पे बनते हैं। सो बेसिडियम बीजाणु जो है वो बेसिडियम पर बहिर जाती है उत्पन्न होती है, यानी जो है एक्सटर्नली जो है वो एक्सोजीनस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं चार बेसिडियोस्पोर्स थ्रू कैरियोगेमी एंड मियोसिस। सो इसका जो एग्जांपल है देखो वो जाएगा अगैरिकस मशरूम, पक्सीनिया जो कीट फंगस है, मशरूम हो गए, ब्रैकेट फंजाई हो जाएगा, पफ बॉल्स, पैरासाइट्स, रस्ट एंड स्मट्स, एगैरिकस, यूस्टिलेगो एंड पक्सीनिया। सो ड्यूटेरोमाइसिटीज ये लास्ट जो है इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें ये इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि इसमें जो है लैंगिक और अर्काइक प्रावस्था ही जो है पाई जाती है, सेक्सुअल फेज जो है इसमें नहीं पाई जाती है। सो एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज ही इनमें नोन है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, और जब इनके सेक्सुअल फॉर्म्स जो है वो ज्ञात कर लिए जाएँ तो इनको जो है दूसरी क्लासेस में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो एसेक्सुअली तो ये कोनिडिया से जो है बनती है, इनमें कोनिडिया बनता है एसेक्सुअली, और इनको जो है इनका जो माइसीलियम जो है वो होता है सेप्टेट और ब्रांच होता है। ये मोस्टली जो है वो सैप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट्स होते हैं या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं।
मोस्टली जो है इनके जो सदस्य हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के वो डिकम्पोजर्स होंगे, यानी उनको हम क्या कहेंगे, अपशिष्ट के अपघटक के रूप में जो है होते हैं, और ये जो खनिज के चक्रण में जो है ये सहायता करते हैं, जो मिनरल जो साइकिल्स हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो है उनमें ये हेल्प करते हैं। सो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि अल्टरनेरिया है, कोलिटोट्राइकम है, एंड देन ट्राइकोडर्मा, इसके ये एग्जांपल है ड्यूटेरोमाइसिटीज के। ये हमारा जो है फंगस और प्रोटिस्टा, ये दो किंगडम हो चुके हैं। इसके बाद है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।